कम दाम उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग जरुआखेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम शिवराज सिंह गुंडों, बदमाशों, माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार हर मंच से अपनी ताल ठोकते हुए मामले में पीड़ित लोगों को इंसाफ का दम भर प्रशासन को ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के भले ही निर्देशित करते दिखाई दें, पर उनके आदेश पर अमल होता कम ही दिख रहा है। सागर में ऐसे ही एक मामले में एक पीड़ित पिछले कई माह से पुलिस प्रशासन के दर पर गुहार लगाते हुए संबंधित पर कार्रवाई की मांग उठा चक्कर काट काट के परेशान हो रहा है, जहां मामले में अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। उल्टा हालात यह है कि मामले में उसे कानून की शरण लेने पर अब दबंग भूमाफियों द्वारा दहशत गर्दी दिखा लगातार परेशान किया जा रहा है। इस मामले में जब जिम्मेदार महकमे से उसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो अब उसने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की शरण लेते हुए एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी वेदना का दर्द बयां करते हुए प्रशासन और शासन तक उसकी बात पहुंचे और उसे इंसाफ मिले इसका प्रयास किया। आयोजित वार्ता के माध्यम से पीड़ित ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व उदासीन आश्रम के पास एक कॉलोनी मनोज पटेल नामक व्यक्ति द्वारा काटी गई थी, जिसमें निकासी के लिए शासकीय रास्ता का उल्लेख था। इसके आसपास कई अन्य कॉलोनी भी बाद में बन गई। जो निकासी का रास्ता था उसे बुंदेलखंड प्राधिकरण के माध्यम से बनवाया गया था, जहां अब उस रास्ते को बाधित कर प्लाटिंग काटे जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत रास्ते पर बनी सड़क खोद दी गई। साथ ही इसके आसपास जिन्होंने प्लाज के उनके यहां का रास्ता भी बाधित करते हुए काम नहीं होने जा रहा है। जब इस मामले में संबंधित से बात करना चाहिए तो वह किसी की सुनने तैयार नहीं और अपनी दबंगता के बल पर दबात करते हुए सभी को परेशान कर रहा, जिसके संबंध में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही उसके हौसले बड़े होने पर अब वह आए दिन आतंक मचा रहा है। साथ ही उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। जहां मामले में पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही, तो मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचने के लिए वह आगे आया है और उसे उम्मीद है कि इस प्रयास से जरूर उसे न्याय मिलेगा। वह मामले में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, जिसके तहत भी आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। 22/6/22 को मैंने एक पुलिस में FIR की थी। मनोज कुमार पटेल जो लंबरदार कहलाते हैं, उदासीन आश्रम जैन मंदिर के सामने रहते हैं, उनके परिजनों ने आज से 15-20 साल पहले कॉलोनी काटी थी। उससे हमारी कॉलोनी के लिए रास्ता गया है। और जो क्या होता है कि जो कोई रास्ता होता है तो वो कटता तो है नहीं खसरा भी बन से, वो तो उसी में दर्ज बना रहता है। तो उनकी अब उस चीज़ को लेकर नीयत ख़राब हो गई। मैंने भी इनसे एक 3600 फिट का प्लाट लिया था, उसमें 22/6/22 को मैं अपनी बाउंड्री का काम लगाया था, तो हमारी लेबर को इन्हें कुल्हाड़ियों से मारा था। उसकी मैंने सूचना पुलिस को 22/6/22 में की थी। उसके बाद इनने फिर घटना 22/11/22 को की कि उस रोड की प्रति इनकी दृष्टि खराब हुई, उसको प्लाट करके बेचने का भाव आया। चूँकि वो सरकार द्वारा बुंदेलखंड प्राधिकरण द्वारा 15-20 साल पहले रोड CC रोड बनाया गया था, वो 30 फुट चौड़ा था और 150 फुट गहराई तक गया था, सीधा 30x150। उसको इनने खोद दिया JCB द्वारा। लोगों ने मना किया तो इनका छोटा भाई बंटी पटेल बंदूक लेके आया। लोग वहाँ डर गए, कोई कुछ नहीं बोला। इनने पूरी रोड को JCB द्वारा खोदा, उसकी मैंने वीडियो आप सभी को जारी की है। रोड खुदी हुई, आज भी आप स्पॉट पे जाओगे तो रोड खुदी हुई पाई जाएगी। और इनने मारपीट भी की लोगों के साथ, वो लोग नहीं आए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्या हुआ क्या मैटर है। मैं चूँकि 22/11/22 को मैं बाहर था, स्थान पे नहीं था, मैं 27 तारीख को सागर जब लौट के आया तो मैंने ये घटना देखी सुनी समझी, तो वो अच्छा नहीं लगा कि वहाँ मंदिर सामने उदासीन आश्रम जैन मंदिर है, वहाँ से सैकड़ों लोग निकलते उस रास्ते से, और वो रास्ता बाधित किया इनने खोदा, उसको उनकी नीयत ख़राब है, गुंडागर्दी करते हैं, दारू पी के आए दिन गाली गलौच करते हैं, अपमानजनक हम लोगों को गाली देते हैं। वहाँ से निकलने का ये शिकायत दर्ज कराई है आपने?
मैंने पुलिस में FIR की थी, उसकी कोई जांच नहीं हुई आज तक। 5 माह हो गए आपकी शिकायत को हुए, अभी तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया 5 माह से। इस संबंध में आला अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी किसी? मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं आला अधिकारियों को सूचित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें भी इतना टाइम नहीं है कि हम रोज के पुलिस के चक्कर लगाएं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप भी है, और वो हमारे साथ, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, हमारे साथ भी कुछ कर सकता है, मगर हम तो क्षत्रिय धर्म को मानने वाले हैं। अगर हम किसी के साथ, कोई हमारे साथ गलत करता है या किसी के साथ गलत करता है और हम उसको देखते हैं, तो उसका दोष हमें भी लगता है, हम उसके दोषी माने जाते हैं। हम इस धर्म को जानते हैं, मानते हैं। अब लोगों की हमें नहीं पता, जिन लोगों के साथ वो घटना हुई उसके कुछ मैंने आपको फोटो दिए, वहाँ भीड़ भी थी। और क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? ये चाह रहे हैं कि सरकारी योजना से जो रोड बना था वो इन्हें मिटाया, उनसे उसकी पूर्ति की जाए, वापस रोड बनाया जाए, लोगों को वो सुविधा मिले, और हमारा यही निर्बोध है। आपको लग रहा है सब मामले उनके साथ पुलिस मिली हुई है, जो कार्रवाई कर रही है? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने इस जो मैंने FIR की थी उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, तो पता नहीं पुलिस को कुछ खिला पिया हो, तो हमें उसकी जानकारी नहीं। धन्यवाद।